पटोरी फाउंडेशन पेश करते हैं, बिहार में पहली बार आम खाओ इनाम पाओ, श्री अतुल त्रिवेदी जी, सरोज ठाकुर जी, इसके अलावा श्री शशि भूषण सिंह जी। इन लोगों ने काफ़ी प्रयास करने के बाद नीरज कुमार जायसवाल, सारी टीम के साथ काम करते हुए श्री वसंत झा, और ये पहली बार इस क्षेत्र में आम खाओ इनाम पाओ की शुरुआत हुई, जो बखूबी छात्र छात्राएं काफ़ी ही उत्सुक हैं कि भाई कैसा ये प्रोग्राम है। एक यूनिक प्रोग्राम जो इस क्षेत्र के लिए एक यूनिक चीज़ था, इंतखाब आलम जी स्टेज से सबों का हौसला बढ़ाते हुए और बच्चे भी हौसला अफजाई करते हुए। नीरज कुमार सबका रिश्न कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं मंच पर लोग अपने आगंतुक की तैयारी में हैं, राधे श्याम जी आम को संभाल रहे हैं, बच्चे लोग बड़े ही बेचैनी से व्याकुलता से इंतजार कर रहे हैं इस आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का। शशि भूषण जी लिस्ट बना रहे हैं आमों का कि भाई कौन आम का क्या होना है। लोग बेचैन हैं स्टेज पे जो आगंतुक हैं कि कब हमारे मुख्य अतिथि आएंगे और आमों की प्रदर्शनी में भाग लेंगे, देखेंगे हमारे क्षेत्र के आमों को और बच्चों के का मनोबल बढ़ाएंगे। ये भांति भांति के आम जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ही रोचक दृश्य है जो पूरा हो पाया है, साकार हो पाया है अतुल त्रिवेदी जी के द्वारा। ये देख रहे हैं आम इनके हाथ में है और काफ़ी हंसी खुशी से ये अपना हौसला अफजाई कर रहे हैं। आमों का एक पूरा का पूरा बंच जो हर एक तरफ के किसान लेके आए हैं अपने अपने पेड़ों से, और ये सारे आम, और ये इंतजार की समय ख़त्म हुई और हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय आ चुके हैं और उनका स्वागत करते हुए और इंतखाब आलम जी माइक से अनाउंस करते हुए अपने अतिथि का, और हमारे अतिथि महोदय स्टेज पे आ चुके हैं। इस कड़ी में अब उन्होंने अपना जगह ले लिया है और सारे लोगों से परिचय कराते हुए हमारी परिवार की माता बहन सबके द्वारा ये उद्घाटन समारोह करते हुए, ईश्वरीय विद्यालय की दीदी भी आई हुई हैं, वीडियो साहब भी हैं, अतुल त्रिवेदी जी भी स्टेज पर आप देख रहे हैं, उनके द्वारा और दीपक जी, मनोज जी, ये जो पत्रकार लोग हैं ये दिग्घा को देख रहे हैं, अतुल त्रिवेदी जी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं स्टेज से हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय को, और आपस में ये बातें हो रही हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम है ये, लड़कियों के द्वारा स्वागत गान, और स्वागत गान की जस्ट बाद अब उद्घाटन करने का समय है, जिसको रिबन काट के हमारे डिस्ट्रिक्ट जज और उनकी मैडम उद्घाटन करेंगे, और ये तिलक लगाते हुए पटोरी फाउंडेशन की बच्चियां, और इन्होंने अतुल त्रिवेदी जी को भी तिलक लगा दिया, और अब हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय द्वारा रिबन काट दिया। इसी के साथ ये उद्घाटन हो गया। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय आम प्रदर्शनी को देख रहे हैं, ये किस तरह का आम है, कौन कौन वैरायटीज है, इसको दिखा रहे हैं हमारे पटोरी फाउंडेशन की सक्रिय मेंबर्स। सर आमों को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट जज महोदय काफ़ी खुश हो रहे हैं, उनकी मैडम भी देख रही है, ये पटोरी वीडियो साहब नवकंज कुमार जी और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय सारे आमों को बारीकी से देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में अतुल त्रिवेदी जी भी हैं, वसंत झा भी हैं, ये वापस स्टेज पे आ जा रहे हैं, और आगे का जो प्रोग्राम है आमों को रख दिया गया है प्लेटों में, और एक एक किलो का आम वजन करके रख दिया गया है। नीरज कुमार सारा मैनेजमेंट वहाँ देख रहे हैं, आमों को रखवा रहे हैं, और इसी आमों की कड़ी में सारे को स्टेज पे रखते हुए बच्चे लोगों को लाइन में रख दिया गया है, बच्चियां हैं पहले इनका सारा कुछ होगा, और उमा सर भी आए हुए हैं, उनके बच्चों का
हौसला अफजाई कर रहे हैं। बच्चियाँ जो हैं प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल और ये जीवनी उच्च विद्यालय से हैं और ये आम का प्रतियोगिता शुरू हो गया है। लड़कियाँ लोगों ने आम छीलना शुरू कर दिया और छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं और छोटे बच्चों की ही प्रतियोगिता। लड़कियाँ काफ़ी उल्लास में आप देख रहे हैं, लड़कियों की संख्या हजारों में है और सब लोग देख रहे हैं, लड़कियाँ आम खाने में लगी हुई हैं, सब कोई प्रतियोगिता में लगी हुई हैं कि जितना जल्दी जल्दी हम आम खा लें। घड़ी की सुइयाँ एक मिनट की है, एक मिनट वो कितना आम खाएगी। और देखिए लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं है, हर कोई व्याकुल है कि भाई कौन जीत रहा है। लड़कियाँ लोग जल्दी जल्दी आम खाते हुए और इसी के साथ देख रहे हैं कि कौन जीतता है। इसी क्रम में हमारे वीडियो कैमरामैन रिकॉर्डिंग करते हुए और अब काउंट शुरू हो गया है, वजन देखा जा रहा है किसने कितना आम खाया और कितना आम किसका बचा हुआ है। ये देखिए लड़की कैसे करके आम खाई है, तो ये देख रहे हैं आप। तो इसमें होता ये है कि आम खाने के बाद, एक किलो आम खाने के बाद जो आपका वेस्ट बच जाता है उसको वजन किया जाता है, कितना आम आपने खा लिया। ये नेक्स्ट टीम आ चुकी है फिर, और इन लोगों ने भी अपना आम का वजन करवाया, सब अपना नाम लिखवा रहे हैं। धीरज कुमार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आम खाना शुरू। देखिए किस तरह से आम जल्दी जल्दी खाया जा रहा है और लड़कियां खाने में अपना अपना उत्साह दिखा रही है। धीरज कुमार एंकरिंग करते हुए कि भाई जो जो है लाइन में रहे, अब लड़कों की बारी है लड़कियों के बाद। इसी क्रम में अब लड़के लोग बच्चे लोग तैयार हैं अपने प्लेट पे आम को रखने के लिए और शशिभूषण जी भी सारा कुछ लिखते जा रहे हैं, लड़कों का रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। और ये विसिल बजा, धीरज कुमार ने विसिल बजाया और अब देखिए सब लोग फटाफट आम खाना शुरू और ये देखिए कि कौन जीतता है। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि सब लोग जल्दी जल्दी आम खाया जा रहा है। छोटे बच्चे जो ये छोटा बच्चा है इसको देखिए, ये भी जल्दी जल्दी आम खा रहा है छीलते हुए। जल्दी जल्दी लोग तालियां बजा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, लड़कियों में भी जोश, हर लड़की के मन में उत्साह है कि देखते हैं कौन जीतता है। और ये अतुल भैया ये आम दिखाते हुए अब प्रदर्शनी को देखते हुए यहाँ के ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाते हुए उनसे बात कर रहे हैं। शशिभूषण भैया अभी नाम देख रहे हैं, आमों की वैरायटी देख रहे हैं कि कौन किस तरह का आम ला रहा है। हमारे ग्रामीण भी काफ़ी खुश हैं, वो देख रहे हैं। इसी क्रम में बच्चों को बैठा दिया गया है आम खाओ प्रतियोगिता के बाद, अब लेख प्रतियोगिता होगा। आम लड़कियों को लड़कों को लिखना है। हमारे टीम के सारे जज लोगों को बैठा दिया गया है। सरोज बाबू किसी का कॉपी चेक कर रहे हैं। इसी क्रम में सारे हमारे टीम जो भी जज हैं उन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, उधर वो उस क्रम में है, इधर अतुल त्रिवेदी जी और नीरज कुमार आम खाओ में फिर इधर लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने वर्क में लगे हुए हैं। ये लड़का काफ़ी उत्साह से हंसता हुआ दांत दिखाता हुआ और ये लोग आम खाते हुए। अब देखिए ये कड़ी अब ख़त्म होने वाली है और काफ़ी ही मज़ा आया लोगों को। देखिए इसका आम का रस भी गिर रहा है, काफ़ी मज़ा के साथ ये लोग देख रहे हैं आम खा रहे हैं। पटोरी वासियों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से यह दिन अंकित हो गया पटोरी फाउंडेशन के माध्यम से। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप